सो प्रोटीन बायो केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर वन ऑल अमाइनो एसिड हैव अ प्राइमरी अमाइनो ग्रोप एक्सेप्ट अब आपके पास ना कुछ एक्सेप्शन होती हैं अमाइनो एसिड्स हमें पता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के इनको हमने याद रखना है इसके कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वाली याद रखनी है जिसके अंदर आपके पास आता है कि कौन सी एसिडिक हैं कौन सी बेसिक हैं कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए उसमें एग्जांपल्स एसिडिक और बेसिक ही आनी चाहिए आपको उसके साथ साथ जो एक्सेप्शन होती हैं जो स्पेशल केसेस होती हैं उनका पता होना चाहिए जैसे हमारे पास जितने भी प्राइम जितने भी अमाइनोसिट होती हैं उसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है प्राइमरी अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एसिड का स्ट्रक्चर देखें ना तो उसमें जो कार्बन और कार्बन के साथ क्या होगा एक एल्फा कार्बन होता है एक हाइड्रोजन अटैच होता है उसके साथ हाइड्रोजन के साथ एक, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होगा अब अगर अमाइनो ग्रुप जो अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है ना तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं लेकिन जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला यहाँ पे जो एन एच कनेक्टेड है ना एनएच बॉन्ड बना रहा है दो कार्बन के साथ अगर ये दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है तो हम इसको सेकेंडरी बोलते हैं बाकी जितने भी अमायनोसि होते हैं वो सिर्फ उसका जो एन एच ग्रुप है ना जो अमाइनो ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है लेकिन जो प्रोलिन है उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो दो कार्बन के साथ अटैच होता है ये एन के साथ एक पूरी रिंग अटैच है यानी एक साइड पे एक कार्बन यहाँ पे एक और यहाँ पे दो तो ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप बन जाता है ठीक है तो ये हमारे पास वाहिद एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो है सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है वरना बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स मेंशन होते हैं जितने भी होते हैं उसके अंदर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है ठीक है तो द आंसर इज प्रोलीन अब ये जो एक्सेप्शन है ये आपने याद रखते जाना है जो एमसीक्यूज दिए हुए थे वो ज्यादा एक्सेप्शन वाले थे जो स्पेशल केसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड विद बेसिक साइड चेन अभी अगेन मैंने आपको बताया कि कुछ अमाइनो एसिड एसिडिक हैं जिनकी साइड चेन एसिडिक है बेसिक है अब इसकी एग्जांपल्स आप लोग साथ साथ नोट कर लो जो एसिडिक और बेसिक है ना क्योंकि एसिडिक वाले दो हैं बेसिक वाले तीन इसलिए इनके एग्जांपल्स आपके क्वेश्चंस में आ जाती हैं अब एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये एसिडिक साइड चेन्स वाले होते हैं हिस्टिडीन लाइसिन और आर्जिनिन ये बेसिक साइड साइड चेन वाले होते हैं ठीक है तो अगर हम क्वेश्चन नंबर टू में देखें तो आपके पास हिस्टिडीन जो है दैट इज बेसिक साइड चेन अगर बीटा ऑप्शन में जो ग्लूटामिक एसिड लिखा हुआ है वो एसिडिक साइड चेन के साथ है फिर आपके पास ग्लूटामिन आता है जो कि पोलर आपके पास होता है अनचार्ज पोलर साइड चेन और जो लास्टली ट्रिप्टोफान है दैट इज नॉन पोलर आप लोग अगर एसिडिक और बेसिक याद कर लोगे ना तो बाकी सबको आप

ये क्वेश्चन हम एफ से पढ़ते आ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है इसकी पूरी से हम वो भी देखेंगे। इसमें क्या होता है, है, है बायीन बीटा चेन के अंदर पोजिशन नंबर सिक्स पे और उसकी वजह से क्या होगा कि एक जो आपके पास बाइक शेप का नॉर्मल आरबीसी होता है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि एक सिकल सेल बन जाएगा एक जैसे चांद जैसा सेल बन जाएगा वो जब अः वेसल्स के अंदर क्रॉस करेगा उसके एजेस की वजह से वेसल्स रपच्चर करेंगे तो नॉर्मल ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाती उसके अंदर तो इसकी जो पीछे साइंस है दैट इज के के बीटा चेन अंदर पोजीशन नंबर सिक्स पे ग्लूटामेट की रिप्लेसमेंट होती है विद वेलिन बाकी जो ऑप्शंस दिखे हुए वो सारे इनकरेक्ट है अल्फा के अंदर उसने ग्लूटेमीन विद ग्लाइसिन लिखा है सेकंड में उसने ल्यूसीन विद आइसोल्यूसीन लिखा है और डेल्टा में वेलिन और ग्लूटामिन उल्टे किया हुए ठीक है तो जो चार ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन कैन क्वेश्चन नंबर फोर पिक द अमीनो एसिड अब हमारे पास ना जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर वन में बताया कि अगर अमाइनो एसिड सारे नॉर्मल हम देख रहे थे कि उसका अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर यहां पे देखूँ अमाइनो एसिड का ठीक है एक सेंट्रल अल्फा कार्बन है उसके साथ एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच होगा एक साइड पे कार सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप अटैच होगा एक साइड पे माइनो ग्रुप है और, एक साइड पे इसका अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे ठीक है तो इसमें क्या हो रहा था कि आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर एक बन रहा होता है लेकिन जैसे प्रोलिन के अंदर कहीं भी अमाइनो के साथ अगर दो कार्बन अटैच हो जाते हैं उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम उसको ए एम आई ओ नहीं कहते आई एम आई एन ओ कहते हैं है तो अगर हम बात करें ना कि के एक्सेप्शन की तो उसी को हम एमिनो एसिड भी बोल रहे होते हैं क्योंकि उसका जो अमाइन ग्रुप है वो सेकेंडरी होता है उसके साथ टू कार्बन अटैच होते हैं तो इन एग्जाम्पल्स में अगैन प्रोलिन एक्सेप्शन है उसको ए एम से नहीं आई एम से अमीनो एसिड बोलते हैं मैम इसके एग्जाम्पल में सिर्फ यही आएगा हाँ जी इसकी एग्जाम्पल में सिर्फ यही है क्योंकि बाकी सब जो है ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करते हैं सिर्फ प्रोलीन वाहिद है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है इसके जो नाइट्रोजन वाला है ना इसके साथ एक रिंग अटैच होती है अदरवाइज बाकी जितने भी हम देखते हैं अमाइनो तो उनके अमाइनो ग्रुप के साथ एक ही कार्बन अटैच होता है वो प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है ठीक है ओके okay. मैम इसकी एग्जाम्पल यही है बस एक सिंगल है ये Then five है कार, कार्बन अभी कल किसी और ने पूछा था कि कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कह सकते हैं या नहीं तो एक ही बात होती है एसीमेट्रिक बोलो या कायरल कार्बन बोलो ठीक है अब वो ये बोल रहा है कि एल्फा कार्बन है आपके पास एसिड का उसमें ए समेट्रिक कार्बन अब एसेमेट्रिक कार्बन होता क्या है एक ऐसा कार्बन कार्बन है फोर बॉन्ड्स बनाने होते हैं ना तो ऐसा कार्बन जो के चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाएगा लेट्स से अगर कार्बन ने एक एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो दूसरी साइड पे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं आएगा वो ठीक है उसको जरूरी है कि चारों बॉन्ड जो उसने बनाने वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बनाएगा अब इन सारी एग्जाम्पल्स में वन टू थ्री फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स दी हुई है ना इसके अंदर जो सेंट्रल जो एल्फा कार्बन होता है ये चार डिफरेंट कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ही बॉन्डिंग करता है लेकिन इसकी एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन ग्लाइसिन में जो कार्बन होता है वो दो दफा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है ठीक है इसका अगर स्ट्रक्चर मैंने निकाला हो यहाँ पर देखो कि ये जो सेंट्रल कार्बन है ना इसने एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन देन दो अलग बॉन्ड्स बनाए हैं लेकिन ये दो क्योंकि सेम हो गए तो ये कायरल कार्बन नहीं रहा तो इसकी जो एक्सेप्शन आती है दैट इज ग्लाइसिन अदरवाइज बाकी जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उसका जो सेंट्रल कार्बन है उसने चार डिफरेंट के साथ ही बॉन्डिंग की होती है ठीक है तो ये कुछ एक्सेप्शन है आपने याद रखना अभी तक जितने भी थे वो अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे

थ्री आ जाता है ठीक है अब अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम ज्यादा हो रहा है या बेसिक मीडियम ज्यादा हो रहा है तो अमाइनो एसिड एज अ बफर एक्ट करते हैं बफर का काम क्या है कि अगर नॉर्मल से ज्यादा एसिडिक मीडियम है तो ये उस एसिड के साथ खुद रिएक्ट करके बॉडी का पीएच वापस नॉर्मल लेके आए और अगर बॉडी में जो एल्कलाइन पीएच बनना शुरू हो गई है अब नॉर्मल तो ये उस एल्कलाइन के साथ रिएक्ट करके बॉडी का पीएच नॉर्मल रखे क्योंकि बॉडी के रिएक्शंस को प्रॉपर्ली uh, काम करने के लिए ना नॉर्मल पीएच चाहिए तो ना वो ज्यादा फोर्ट कर सकते हैं ना कम तो अमाइनो एसिड ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसमें हेल्प कर रहा होता है जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो अगर अमाइनो एसिड है ना उसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है अगर लो पीएच हुआ तो क्या होगा कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जो लो पीएच पी का मतलब हुआ कि एक्सेसिव हाइड्रोजन आ गया ठीक है तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ना ये उस एक्स एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा और अगर पीएच ज्यादा हो गई यानी एल्कलाइन पीएच की तरफ जा रहा है तो क्या होगा एल्कलाइन पीएच में बॉडी के अंदर हाइड्रोजन कम हो गए ना तो ये जो अमाइनो एसिड का जो का ग्रुप है ना ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और बॉडी की पीएच को नॉर्मल रखेगा अगर एक्सेस हुआ तो ये जो अमाइनो ग्रुप है इसने एक्ट कर लिया हाइड्रोजन जो एक्सेसिव था उसको अपने साथ बाइंड कर लिया लेकिन अगर बॉडी को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी तो इसका जो कार्बोक्सर ग्रुप था इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो एज ए बफर काम किया कि बॉडी के पीएच को उसने नॉर्मल रखा अब इसका ना एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि मैक्सिमम पी कब होगी जब पी एच मैक्सिमम उसकी बफरिंग कैपेसिटी कब होगी जब उसकी पी के ए और पीएच जो है वो दोनों इक्वल होंगे तब उनकी बफरिंग कैपेसिटी इक्वल होगी लेकिन ऐसा भी होता है कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्लस कैपेसिटी होती है लेट से हम लोगों ने कह दिया वो फोर है तो क्या वो फोर के ऊपर जब उसकी पीके ए आएगी तब उसकी बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे उसकी बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन उसमें मैं प्लस दू यानी फोर प्लस वन फाइव कर दू या फोर माइनस वन थ्री कर दू तो थ्री टू फाइव की एक पूरी रेंज होती है जिसमें उस अमाइनो सेट ने एज अ बफर काम करना है लेकिन मैक्सिमली वो तभी करेगा जब उसकी पी के ए इक्वल होगी उसकी पी के ठीक है तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम ना होता तो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट ऑप्शन होते लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो जब उसकी Pka, के इक्वल होती है ठीक है अदरवाइज मैक्सिमम को अगर हमने निकाल देते तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बन जाता को कर अच्छा सेकंड ऑप्शन में ना है कि आपके पास लेट्स से पीएच है सेवन या पी एच कर लो फोर कोई भी पी एच ऑफ कर लो ठीक है फोर कर लिया हमने फोर पे एक एसिड का पीके ए जब फोर पे हुआ और उसकी पी एच फोर थी तो इस इस टाइम पे ना उसने मैक्सिमम एज मैक्सिमम बफर कैपेसिटी दि, दिखानी है लेकिन पी एच के अंदर अगर पी के ए फोर था ना अब इसमें मैं वन प्लस एड करूं ठीक है इसको फाइव या इसमें से वन माइनस करूं तो थ्री तो थ्री टू फाइव की जब पी एच कर रहा होगा लेकिन 5 की रेंज क्रॉस करते ही अब वो अमाइनोसेट बफर के तौर पर काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी रेंज से बाहर हो गया या थ्री से अगर ड्रॉप कर जाएगा तब वो अमाइनोसेट एज अ बफर काम नहीं करेगा उसकी रेंज से ड्रॉप कर जाएगा लेकिन मैक्सिमम अगर उसने कैपेसिटी शो करनी है ना कि वो बफर

ओके मैम क्वेश्चन नंबर सेवेन है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हाँ जी मैम जब पीएच लो होती है तो अमीनेसिस एस एसिड एक्ट करते हैं या बेस जब पीएच होती है अच्छा अगर आपकी पीएच लो है ना यानी एसिडिक मीडियम है आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है तो आपका जो अमाइनो ग्रुप है ना वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा वो एज अ बेस काम करना शुरू कर देगा लेकिन अगर बॉडी के अंदर बेसिक सोलूशन बन गया है उसके अंदर हाइड्रोजन की जरूरत है तो अमाइनो एसिड एज एसिड काम करके अपना हाइड्रोजन कार्बोक्सल वाले ग्रुप से रिलीज करना शुरू कर देगा ठीक है मैम और जो हाँ जी पहले जब पूछ रही थी वो दूसरे स्टूडेंट पूछ लें और एसिड्स कुछ भी नहीं करता ठीक है ठीक है ठीक है मैं बताती हूँ जो आइसो इलेक्ट्रिक होता है ना उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा टाइम आ गया है जब उसने न्यूट्रल सोल्यूशन रहना है जब उसके हाइड्रोजन और जब उसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो सेम हो गया है आइसो का मतलब सेम है इलेक्ट्रिक उसका चार्ज आइसो इलेक्ट्रिक एक ऐसा पॉइंट है जिस पे उसकी पीएच ओ कोई चेंज नहीं आ रहा उसके वो एज न्यूट्रल काम कर रहा है ठीक है अब दोनों सिचुएशन उसके पास है अब अगर उसी न्यूट्रल को उठा के आप बेसिक मीडियम में रखते हो तो वह एसिड काम करेगा एसिडिक में रखोगे तो बस बेस काम करेगा ताकि वो न्यूट्रलाइज करते

जो आपके नॉर्मल अमाइनो एसिड होते हैं ना normal. हम यूजली नहीं नहीं हम यूजली देखते हैं कि वो नेगेटिव शो कर रहे होते हैं अगर हमने उसको सेपरेट आउट करना होता है प्लाज्मा प्रोटीन से तो वो नेगेटिव शो करते हैं इसीलिए तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है कि वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे अगर वो नॉर्मल हुए ठीक है जी मैम अच्छा अब जो क्वेश्चन नंबर बच्चे इसके माइक से आवाज आ रही है ना जी प्लीज तुम माइक ऑफ कर लें मैम जी आपने कहा कि जब एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो वो एज अ बेस एक्ट करेंगे हम्म तो मैम अगर हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है हमारे पास जो प्रोटीन अमाइनो एसिड है वो न्यूट्रल है अब अगर हम पीएच को डिक्रीज करेंगे यानी कि हम एसिडिक मीडियम में जा रहे हैं तो फाइव में लिखा हुआ है कि जब हम बिलो जाएंगे पीएच UH के यानी कि एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास एज एन एसिड एक्ट करेंगे डोनेट करेंगे हाइड्रोजन आयंस को अच्छा देखो, देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि आपके ना हाइड्रोजन ऑलरेडी इंक्रीज हो जाते हैं यही बात होती है ना एसिडिक मीडियम की एसिडिक मीडियम क्या है कि जहाँ पे हाइड्रोजन का लेवल रेज्ड होता है अब एक जगह पे अगर हाइड्रोजन का लेवल ऑलरेडी रेज है तो अमायना सर को क्या पड़ा हुआ है कि वो वहां जाके हाइड्रोजन मजीद डोनेट करे उसने तो क्या करना है उस पीएच को नॉर्मलाइज करना है ना तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसने वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देना है इसी को तो हम कह रहे हैं कि वो बफर के तौर पर काम कर रहे कि जो इस जो पी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है उसने उसको नॉर्मलाइज करना है अगर एक जगह पे नॉर्मल से ज्यादा हाइड्रोजन ऐड हुए हुए हैं तो उसने उसको नॉर्मलाइज करके वापस लेके आना है तो वो नॉर्मल कैसे करेगा अगर चीज ज्यादा हुई है तो उसको एक्सेप्ट करके नॉर्मल करेगा ना और अगर कोई चीज हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करी होती है तो वो बेस के तौर पे काम कर रही होती है एक जगह पे हाइड्रोजन की अगर कमी है वहां पर वो अपने हाइड्रोजन डोनेट करना शुरू कर देगा तो जो चीज हाइड्रोजन डोनेट करी होती है वो एसिड होता है ठीक है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया यस मैम कॉन्सेप्ट है तो आप फाइव को फॉलो ना करो आप को फॉलो कर लो या कॉन्प्ट को फॉलो कर लो क्योंकि तो यही है है ना कि बफर ने क्या करना पीएच को नॉर्मल करना है अगर एक जगह पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो मजीद डोनेट करके ज्यादा क्यों करेगा वो तो उसको मजीद बढ़ा रहा है कंडीशन को वर्स कर रहा है वो तो वो तो गलत बात हो गई ना इसने तो उसको नॉर्मलाइज करना है यही तो इसका काम है कि बॉडी के अंदर कहीं भी अब हुई इसने उसको नॉर्मल कर देना है राइट यस मैम थैंक यू ठीक है है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्टेन प्रोटीन है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है अब नेगेटिव जो चार्ज है उसने तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होना है लेकिन अगर प्रोटीन अब किसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल प्रोटीन है

नहीं है ये पॉइंट वो एक नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है यानी उसके ऊपर नॉर्मल की ऑपोजिट चार्ज है तो उसके अंदर कोई ना कोई सर्टेन डिजीज है ठीक है इसके अलावा जो डेल्टा ऑप्शन है ना इसके अंदर आप ये मैंने इसलिए मेंशन किया था ताकि आपको ये पता चले कि जरूरी नहीं है कि अमाइनो एसिड सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही द बफर काम करे ये भी हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एज अ बफर काम कर सकता है जिसकी एग्जांपल में आपके पास मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर एज अ बफर काम कर रहा होता है ठीक है इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसकी तीन फॉर्म्स होती है एक आइसो वाली एक नेगेटिव चार्ज में और एक पॉजिटिव चार्ज में ठीक है तो जो इसका आंसर है अगर वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज लाजमी होगी अदरवाइज नॉर्मली उसके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता होता है है तो उसने पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मैं मैं एक एसिड एज अ बफर काम कर है ये हमें पता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रहा हो बफर, ठीक है इसका मतलब क्या है ना तो एलेन में एक साइड पे आपके पास अमाइनो ग्रुप अटैच है एक साइड पे आपके पास हडोक्सो ग्रुप अटैच है तो एक दफा एक पी के ऊपर बफर काम करेगा एक लो पी के ऊपर ठीक है जो एलिन की एग्जाम्पल होती है ना दैट इज टू 2.3 थ्री पीएच के ऊपर जब उसकी pka ph 2.3 बन जाती है तो वैसे बफर काम करता है इसके ऊपर जब 3.3 पर हम जाएंगे तो वो बफर काम करना बंद कर देगा नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है 9.1 का ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी 2.3 और 9.1 ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वो बफर काम कर रहा होता है ठीक है जब हम एवरेज pka1 और pka2 जब हम एवरेज निकालते हैं ना तो हमने इन दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड करना होता है 2.3 9.1 टू तो एलानिन की जो आपके पास एवरेज पीएच आती है दैट इज 5.7 ये भी फिगर्स हैं थोड़े बहुत ये आपने याद रखने हैं ओके मैम क्वेश्चन नंबर एट में उसने पूछा है अल्फा हेलिक्स अब अमाइनो एसिड्स ने जब उसकी स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स आपस में जॉइन करेंगे देन वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे बनाएंगे या बीटा शीट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर देन सेकेंडरी uh, के बाद उसकी मजीद फोल्डिंग होगी वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा और लास्टली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी उसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी के अंदर तो सीक्वेंसिंग हो जाती है एक हम इसे दूसरे के साथ अटैच होगा और एक प्रॉपर सीक्वेंस अटैच होगा उसके अंदर अगर कहीं भी क्यूम्यूटेशन आती है तो पूरी प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आइदर एल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं अब इसने पूछा हुआ है कि अल्फ़ा हेलिक्स की अगर फॉर्मेशन हो रही है ना तो उसकी डिस्टर्बेंस कैसे आती है अब अगर हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर बनना होता है तो वो यूं ऐसे ऐसे करके ना हेलिक्स बनता है ठीक है उसने यू हेलिक्स बना होता है लेकिन कुछ अमायनोसिड होती हैं जो यू नॉर्मल हेलिक्स नहीं बनने देती वो क्या करेंगी कि कहीं ना कहीं यू आके किंगस बना देंगी यहाँ पे लेट्स से एक ऐसा अमायनोसिड आ गया जिसने नॉर्मल नहीं बने दिया और उसने यू बना दिया उसको ठीक है तो इसके अंदर इसके अंदर डिफरेंस है ना ये यहाँ पे किंक बना रहा होता है तो वो कौन सी अमायनोसिड ऐसे हैं जो कि एल्फा हेलिक्स के जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मल नहीं होने देती

तो अगर आपको एमसीक्यू के अंदर किंग्स का वर्ड आता है तो आपने प्रोलीन के लिए टिक करना है लेकिन अगर हेलिक्स के ब्रेकर के आ रहा है ना ऑप्शन तो उसके अंदर आपने ग्लाइसिन को टिक करना है ठीक है ये दोनों क्या करते हैं कि उसका जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अगर किंग्स का ऑप्शन आ रहा है ना तो आपने प्रोलिन को टिक करना है और अगर हेलिक्स ब्रेकर का ऑप्शन आ रहा है तो ग्लाइसिन को लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे चार्डी ऑप्शन है ग्लूटामेट या ट्रिप्टोफॉन इसके अलावा वेलिन ये भी आपका हेलिक्स नॉर्मल हेलिक्स नहीं बनने देती ठीक है तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करिए होते हैं इसलिए ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो है एक पर्सन है उसको उसके आगे मेंशन किए हुए रिजिड बॉडी है रेस्टिंग ट्रेमर्स हो रहे हैं उसके अंदर डीएनए स्टडी शो कर रही है कि उसके अंदर अमाइलॉइड हैं उस पे ठीक है अब क्या होगा और वो स्पेसिफिकली अल्फा स्यूक्लियन प्रोटीन से बन रहे हैं ठीक है अब आप आइडेंटिफाई करने से कौन सी डिजीज है अब सबसे पहले आपको पता ये जो सबसे बड़ा हिंड था ना अगर आपको फिजियोलॉजी याद होती तो आपके लिए रोजिड बॉडी और ट्रेमर्स भी होते हैं लेकिन अगर हम बायोकेम की बात करें तो वहां पर जो साइन न्यूक्लियन प्रोटीन्स और अमाइलॉइड का वर्ड यूज़ किया हुआ है ना ये करा होता है जब हम प्राइमरी क्या कहते हैं जो अमाइनोसिस की फॉर्मेशन हो रही होती है ना स्ट्रक्चर बन रहा होता है क्वार्टर सेकेंडरी उसके अंदर अगर कहीं भी नॉर्मल फोल्डिंग से हट के कोई मिस फोल्डिंग हो जाती है तो हमारे पास डिजीज होते हैं अब उन डिजीज को हमने दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया है एक अमाइलॉइड होते हैं और एक प्रियॉन होते हैं ठीक है अमाइलॉइड्स का क्या मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन की मिस फोल्डिंग हो गई है मिस फोल्डिंग में हमारे बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन की एग्रीगेशन एक्यूमोलेशन होना शुरू हो जाती है इसके अंदर दो डिजीज आती हैं एक पाक है और एक एल्जाइमर्स है ठीक है अब जो एबनॉर्मल प्रोटीन होती है ना उसको हम अमाइलॉइड बोलते हैं तो यहाँ पर अमाइलॉइड का वर्ड यूज किया हुआ था इसका मतलब है कि आपका दिमाग में सबसे पहले पाकिंस या अल्जाइमर आना चाहिए ठीक है उसके बाद जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर पाकिंसन है ना किसी भी पेशेंट को तो उसके जो अमाइलॉइड है वो एल्फा साइन न्यूक्लियर न्यूक्लियन प्रोटीन से बनते हैं ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर था अगर इसमें भी पता नहीं चलता तो थोड़ी बहुत अगर फिजियोलॉजी याद हो ना तो बॉडी में कॉगविल रिजिडिटी आती है पाकिस्तान में और रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं यानी अगर कोई आ, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे उस टाइम पे भी आपकी बॉडी के अंदर ट्रेमर्स होते हैं ठीक है तो यहाँ पे जितने भी सिम्टम्स हुए हैं वो पाकिस्तान के हैं

देन क्वेश्चन नंबर टेन है आपके पास क्रूट जेकब डिजीज अगेन ये प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की ही डिजीज है जहां पर मैंने कहा अमाइलॉयड डिजीज होती है और दूसरी जगह पे आपके प्रियॉन डिजीज होती है ठीक है प्रियॉन कहते हैं एक बिल्कुल आ, प्रोटीन का पार्टिकल होता है और वो इन्फेक्शस होता है कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा ह्यूमन के अंदर भी कर सकता है जैसे ये जो मैंशन आपके सामने डिजीज है क्रूट्सफेल्स जेकिब डिजीज ये ह्यूमन की डिजीज है होती है, शीप के अंदर और बोवाइन स्पॉन्जीफी बी एस ई ये होता है जिसको हम मैडका बोलते हैं ये कैटल के अंदर होता है ठीक है तो ये सारी जो तीन डिजीज मैंने जिनका नाम लिया ये सारी एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल की वजह से होती है जिसको हम प्रियोन बोलते हैं या इसको प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस पार्टिकल भी बोलते हैं लेकिन नॉर्मली प्रियॉन यूज करते हैं ठीक है जैसे जो एब्रीवेशन वाला स्टूडेंट कह रहा था ना इसके लिए भी आप पी आर पी और उसकी सब्सक्रिप्ट के अंदर सी लिखते हो इस प्रोटीन के लिए ठीक है तो ये जैसे ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म है ये भी आपको याद रहनी चाहिए पेशेंट जो एग्जामिनर है आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी दे सकता है जैसे प्रियन प्रोटीन है तो वो आपको पी कैपिटल देन स्मॉल आर

अब हमारे पास चार टोटल चेन्स है ना दो अल्फा है दो बीटा एक अल्फा ने एक बीटा के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर ली दूसरी अल्फा ने दूसरी बीटा के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर ली अब हमारे पास क्या हुआ कि वो दो चीजें बन गई ना इसको हम बोलते हैं डायमर एक डायमर के अंदर एक अल्फा और एक बीटा है दूसरे डायमर के अंदर दूसरा अल्फा और दूसरा बीटा है अब इन दो डायमर ने आपस में भी तो कनेक्शन करना है तो वो पोलर बॉन्ड्स के थ्रू करते हैं ठीक है मैंने आपको बताया दो अल्फा और दो बीटा चेन्स हैं जैसे ही आपको ये बीटा चेन है ये भी बीटा चेन है ये नीचे ग्रीन वाली एल्फा है और ये भी एल्फा है अब एक एल्फा और एक बीटा ने तो आपस में कर लिया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसने भी कर लिया आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नजर आ, आ रहा है ना ये ठीक है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक लेकिन इन दोनों ने आपस इस डायमर ने इस डायमर के साथ भी तो कनेक्शन करना है तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पर पोलो बॉन्ड्स करेगा ठीक है तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल दो एल्फा से एक डायमर बनाए एक अल्फा एक बीटा मिलके एक डायमर बनाएंगे। फिर दूसरा अल्फा दूसरा बीटा मिलके एक डायमर बनाएंगे। एक डायमर दूसरे डायमर से पोलो बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होगा ठीक है ओके okay, मैम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ डायमर आपस में कैसे कनेक्शन बनाते हैं

से उसकी एफिनिटी विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगी इससे लिए दूसरा ऑक्सीजन थोड़ा पहले की नस्बत आसानी से अटैच हो जाएगा अब दूसरे के साथ जब अटैच होगा उसकी एफिनिटी मजीद बढ़ेगी के साथ चौथा चार ऑक्सीजन के जो आइटम्स हैं वो आके इसके साथ अटैच होते हैं लेकिन पहले की अटैचमेंट से पहले की अगर बात करें तो वो टें फॉर्म में होता है जैसे ही ऑक्सीजन अटैच होगा तो वो रिलैक्स फॉर्म में जाएगा तो आपकी जो डी ऑक्सी फॉर्म होती है वो टेंड है देन ऑक्सीजन जो पहला ऑक्सीजन है ना उसकी बाइंडिंग बहुत मुश्किल होती है लेकिन अगर उसकी बाइंडिंग हो गई वो रिलैक्स हो गया हीमोग्लोबिन सेकंड की बाइंडिंग मजीद आसान हो जाती है थर्ड की उससे भी ज्यादा फोर्थ की एफिनिटी फिर ऐसे एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर जाती है इसी पहले ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बाद जब उसकी इंफिनिटी इंक्रीज करती है ना यही वजह है कि जब हम आगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व पढ़ेंगे ना तो वो एक सिगमोइड शेप में होता है एक नॉर्मल हाइपरबोला या पैराबोला नहीं बना होता बल्कि वो शो कर रहा होता है कि एक की बाइंडिंग के साथ उसकी इंफिनिटी पहले की नस्बत ज्यादा हुई देन अगेन ज्यादा हुई देन अगेन ज्यादा हुई तो उसकी सिगमोडल शेप की सिग्निफिकेंस भी यही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन में वो कह रहे एलोस्टेरिक के फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी एक चीज तो हमने कह दी कि आपके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी हो रही है उनके आपस की बाइंडिंग की वजह से अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो अदर देन उनके अटैचमेंट मतलब उनके अटैचमेंट साइट के अलावा अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी एफिनिटी को इफेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर्स यानी वो इफेक्टर्स जो किसी और साइट पे जाके बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं एलोस्टेरिक का मतलब होता है अदर साइड तो नॉर्मल जो उसकी एफिनिटी है उसको इफेक्ट करने के लिए अगर वो किसी और साइड पे कोई चीज जाके काम कर रही है तो उस इफेक्टर को उस कंपोनेंट को बोलते हैं इफेक्टर्स अब इसमें एग्जांपल आप मेंडाएक्साइट का भी हो सकता है टू थ्री बीपीजी अब ये एब्रिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बिस्फोस्फोग्लिसरेट ये तीनों क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की, की जो हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं तो इफेक्टर्स में कैसे करेंगे वो हम नीचे वन बाय वन पढ़ते हैं लेकिन जो तीनों काम जो है तीनों फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑल ऑफ दीज आर एलो